कोरोना वायरस की रफ्तार डरावनी होती जा रही है। देश में लगातार तीसरे दिन 8 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 8,084 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 4,592 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 47,995 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। कोविड-19 के 8.84 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,32,03,101 हो गई है। वहीं 10 लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,24,771 हो गई है। इससे पहले रविवार को 8,582 नए मामले सामने आए थे और 4 लोगों की मौत हुई थी। वहीं शनिवार को कुल 8,329 मामले सामने आए। सरकार कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए टीकाकरण पर जोर दे रही है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,95,19,81,150 हो गया है। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख और 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुँच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार हो गए थे। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को 735 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। वहीं शुक्रवार को 655 नए मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो गई। एक्टिव मामलों की संख्या 2008 हो गई है। कुल पॉजिटिविटी रेट 4.94% है। मुंबई की बात करें, यहां पर रविवार को 1,803 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। शहर में एक दिन में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत नहीं हुई है। एक दिन में 959 संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं। मुंबई में एक्टिव मामलों की संख्या 10,889 है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।